क्रिक्स लवर, मैं आपके पास आकर साधना करना चाहता हूँ, आपकी सानिध्य में रहना चाहता हूँ। आपका आश्रम कहाँ है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं, और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि बहुत लोगों को भीतर से भाव होता है कि वो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे साथ रह के जो है ध्यान सीखना चाहते हैं, और वो ये भी पूछते हैं कि आपका आश्रम कहाँ है। तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस वक्त जो है मैं जो भी सेशंस ले रहा हूँ, जो भी जिन भी लोगों के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वो ज़्यादातर वो ऑनलाइन ही हो रहा है। लेकिन आगे जो है मैं एग्जिस्टेंस के प्लान के लिए ओपन हूँ, इन द सेंस कि आगे एक ब्लूप्रिंट ज़रूर है मेरे भीतर कि एक ऐसी जगह जो है क्रिएट की जाए जहाँ पे आप जैसे प्रेमी, आप जैसे जो साधक हैं, वो आ सकें, साधना कर सकें और ध्यान में गहरा प्रवेश कर सकें। और जिनको लगता है कि मेरे साथ सत्संग में जो है, जिनको मेरी लाइफ के साथ जुड़ना है, जिनको एक गाइड की कहीं ना कहीं अंदर से जो है एक फीलिंग आती है, तो वो ज़रूर जो है जुड़ सकते हैं। लेकिन उसका जो समय है, मैं ये नहीं कह सकता कि कब घटेगा, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि आई एम ओपन टूवर्ड्स दैट कि वो कब घटेगा। भाव सुंदर है कि मैं आपके पास आकर साधना करना चाहता हूं, और वो मैटर करता है असल में जब कोई अपने ऊपर निरंतर काम कर रहा है, जब कोई हमसे कहीं ना कहीं आगे चला गया है आपसे, वो आपकी ऊर्जा को जो है वो पुल कर सकता है, वो आपकी ऊर्जा को उठा सकता है। तो बहुत जल्दी जो है लाइफ का जो है प्रोसेस जो है होना शुरू हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है जब हम किसी के ऐसे सानिध्य में आते हैं जो व्यक्ति जो है जिसने अपने ऊपर कॉन्स्टेंटली वो अपने ऊपर काम कर रहा है, जो कि गाइड है, जो गुरु है, जो कि एक काउंसलर है। ये व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के प्रेजेंस में रहने से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है। तो आगे के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस दिन वो स्थिति घटेगी, जिस दिन वो आश्रम, जिस दिन वो जगह, जिस दिन वो तैयार हो जाएगी, उस दिन आप सब लोगों को ज़रूर, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करूँगा और मैं बताऊंगा उस जगह के बारे में। ठीक है, अभी के लिए आप मुझसे ऑनलाइन मिल सकते हैं। फैक्स टेम्पल, मैं आपसे ऑनलाइन सेशन के बजाय मिलकर सेशन लेना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? मैंने अभी इसके बारे में बात करी थी कि फिलहाल अभी ऑफलाइन सेशंस जो हैं, मिलकर सेशन लेना जो है थोड़ा सा इस वक्त पॉसिबल नहीं है, और अभी फिलहाल जो है मैं ऑनलाइन सेशंस के लिए ही अवेलेबल हूँ। और ऑनलाइन सेशंस में, और ऑफलाइन सेशंस इसलिए भी नहीं क्योंकि अभी मेरे पास उस तरह की जो है वो स्पेस अवेलेबल नहीं है जिसमें मैं आप लोगों को इनवाइट कर सकूँ, जिसमें जो है, जिस स्पेस के अंदर जो है मैं आपको एक वो स्थिति दे सकूं जो कहीं ना कहीं मैं आपको देना चाहता हूं। तो फिलहाल ऑनलाइन के साथ अभी जो है वो एक पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन सेशंस बुक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं जानता हूं अंदर भीतर से भाव होता है फिजिकली आपको मिलने का, आपको इंटरेक्ट करने का, और बस ये है कि मैं ये कहूँगा कि भाव सुंदर है, लेकिन जब ऑफलाइन का वक्त आएगा डेफिनेटली
मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये ऑनलाइन है।